आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक का जाएंगे। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स आर वर्ड्स डेट आर यूज टू डिफाइन ए नाउन, डेट आर यूज टू डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स आर वर्ड्स डेट आर यूज टू डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देखिए, आर्टिकल जो यूज़ होता है वो नाउन के सर्टेनिटी को डिनोट करता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक को डिनोट करेगा तो आर्टिकल दी या द दोनों सेम है, दी या द दोनों सेम है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल अनस्पेसिफिक डिनोट करता है, आर्टिकल नाउन के अनस्पेसिफिक होने का डिनोट करता है, तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ होगा। इसी तरह आर्टिकल के दो टाइप, डेफिनिट इनडेफिनिट। आर्टिकल के दो टाइप, डेफिनिट इनडेफिनिट, स्पेसिफिक को डेफिनिट एंड अनस्पेसिफिक को इनडेफिनिट, ठीक है ना। यानी इनडेफिनिट में ए एन हो गया एंड डेफिनिट में द हो गया। तो आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के दो टाइप, इनडेफिनिट डेफिनिट। तो इनडेफिनिट में क्या क्या आएगा, यानी जो अनस्पेसिफिक को डिनोट करेगा तो ए और एन, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल में द, ठीक है। पूरा आर्टिकल इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो आर्टिकल के लिखने का टाइप जानते थे तो आपको पता होगा आर्टिकल कैसे कैसे लिखा जाता है। आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है। दूसरा आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीसरा आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए, ए बॉय, ए गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। आर्टिकल नाउन ए बॉय, ठीक है। आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन ए गुड बॉय, ठीक है। आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल बस इसी तीन तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, ये अनस्पेसिफिक है, यानी सर्टेनिटी को डिनोट नहीं कर रहा है, यानी बॉय की सर्टेनिटी को ये डिनोट नहीं कर रहा है, यानी ये स्पीकर के लिए अनजान है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लास्ट मंथ आई बाउट अ कार बट द कार वॉज स्टॉलिंग, ठीक है। लास्ट मंथ आई बाउट अ कार बट द कार वॉज स्टॉलिंग। देखिए, आपको क्या सिखाया गया, आर्टिकल्स आर वर्ड्स डेट आर यूज टू डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देखिए, आर्टिकल ए एन का यूज होता है इनडेफिनिट यानी अनिश्चित के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो अकार है, ये स्पीकर, स्पीकर जो बोल रहा है उसके लिए है, लेकिन जो सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं, ठीक है। मानिए आई मैं हूँ, ठीक है, आई मैं हूँ, तो मुझे इस कार के बारे में तो पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए ये अनजान है, ये राइटर के लिए अनजान नहीं है, ठीक है। ये रीडर या स्पीक या सुनने वाले के लिए अनजान है, ये रीडर या सुनने वाले के लिए अनजान है, ठीक है ना। देख, लास्ट मंथ आई बाउट अ कार, तो जो आप सुन रहे हैं, यानी ये कार के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। इस कार के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है, आप सुन रहे हैं, देखिए, लेकिन ये मेरा कार है तो मुझे तो पता ही होगा, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। लास्ट मंथ आई बाउट अ कार बट, ये कार के बारे में तो आप जान गए, देखिए, लेकिन अब दूसरे बार इस कार का यूज होगा तो आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि आप इस कार के बारे में जान गए, ठीक है ना। लास्ट नाइट आई बाउट अ कार, तो इस बारे में कभी आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस कार का बात होगा तो आप जान जाइएगा, उसके बारे में आप जान गए, क्योंकि पहले से आपको बता दिया गया है। तो देखिए, पहली बार अगर किसी भी सिंगुलर नाउन का यूज होता है, पहली बार जो लिसनर या रीडर के लिए अनजान हो, पहली बार जिस भी सिंगुलर नाउन का यूज हो जो रीडर या लिसनर के लिए अनजान हो, उसके लिए आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, एंड जो अनजान नहीं है, स्पेसिफिक है, उसके लिए द का यूज करेंगे। सीख गया ना, इतना ईजी है। हाँ जी, देखिए अगला एग्जाम्पल के, देखिए, आई शॉ द मूवी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। आई शॉ द मूवी लास्ट नाइट,
ठीक है, द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इंसिडेंट। अब पढ़िए इस सेंटेंस को, आप पढ़िए। तो देखिए, आई सॉ द मूवी, तो इस मूवी के बारे में आप पहले जानते हैं, अभी जानते हैं आप, यहाँ तक पढ़िए। आई सॉ द मूवी, ये जो लिख रहा है उसके लिए तो ये पता है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, या जो सुन रहा है उसके लिए अनजान है, तो इसके लिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, तो ये आप सुन रहे हैं, आपको तो पता नहीं होगा कौन कौन सा मूवी देखा, बट अगर इस मूवी की फिर कभी यूज हो, ठीक है, तो उसके साथ द का यूज होगा। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट द मूवी, ठीक है, द मूवी, क्योंकि इसकी बात पहले हो चुकी है, अब बार बार ए अनस्पेसिफिक को डिनोट तो करेगा नहीं, क्योंकि जो बोल रहा है वो आपको बता दिया है कि मैं एक मूवी देखा हूँ, तो अब उसको स्पेसिफिक में यूज करेगा। तो देखिए, अब द का यूज होगा इसके साथ, द मूवी वाज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इंसिडेंट, ठीक है, तो उसकी कहानी के बारे में आपको तो नहीं बताया वो, बस ये बोला कि मैंने एक मूवी देखी है। देखिए फिर ये अलग हो गया, तो देखिए आपको मूवी के बारे में बताया गया है ना, उसकी कहानी के बारे में तो नहीं बताया गया है, तो ये चीज आपके लिए अनजान है, तो ये चीज आपके लिए अनजान है, तो अनस्पेसिफिक के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए ए और एन का यूज करिए। ठीक है, आइए अब इंडेफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, तो देखिए एक छोटा सा डेफिनेशन, दे आर यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, दे आर यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए आर्टिकल सीखने के लिए आपको नाउन सीखना बहुत ही जरूरी है, तो इसका भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में होगा, पहले देख सकते हैं। देखिए आइए, क्या आपने सीखा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ होगा, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अब आइए सीखते हैं ए और एन में फर्क क्या है। देखिए ए एंड एन दोनों का यूज सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले होगा। ठीक है, देखिए ए का यूज कोई भी मेरा सिंगुलर नाउन स्टार्ट होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे, एंड वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम एन का यूज करेंगे। इससे पहले आपने क्या सीख रखा था, कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू हो तो इससे स्टार्ट हो तो एन का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज का यूज करें। अगर वॉवल साउंड से आप उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करें स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एन का यूज करें, एंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए ए का यूज करें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी इसका लिख लीजिए, वी यूज ए बिफोर अ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड, तो ए एन का यूज करेंगे। आइए कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हाँ जी आइए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व कर लें। देखिए क्या है, FBI agent, तो सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज करना है, तो किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ए या एन का, ए या एन का। देखिए एफ क्या आ रहा है, एफ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, FBI, ठीक है ना, आर्टिकल पूरा प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है, दी या दा भी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, एंड ए और एन भी प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है। तो आपने क्या सीखा है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो कोई सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एन का यूज करिए, क्यों, FBI, एफ, ए का आ रहा है ना फिलिंग एफ, तो FBI एजेंट, ठीक है। अब है काव, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए, काव, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का यूज, बॉल है ए का यूज, ठीक है ना, अंकल है ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए एन का यूज करिए, अंकल। देखिए समन्स एंड समन्सेस, आप क्या सीखे हैं, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, एक ही वर्ड है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन पूरा एक ही वर्ड है, तो
सिंगुलर ये होता है सिंगुलर नाउन एंड ये होता है प्लूरल नाउन, ये होता है सिंगुलर नाउन, ये होता है प्लूरल नाउन, जान गए। तो इसके साथ हमें आर्टिकल का यूज करेंगे, इसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ ए एन का यूज नहीं किया जाता है कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है सिंगुलर। देखिए लग रहा है प्लूरल है लेकिन होता है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, आ सौ, सौ से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये बाद में सीखेंगे, ये एन आवर, इसको क्या पढ़ा जाता है आवर, औ से स्टार्ट होता है। तो सीधा सीधा आपके प्रोनाउंसिएशन पे पूरा आर्टिकल डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एन का यूज करें, एच साइलेंट हो जाता है, इसको देखिए ई से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे यूरोपियन, यूरोपियन यो से स्टार्ट होगा, यो यो से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए अ का यूज करेंगे, अ यूरोपियन बॉय कर दीजिए, अ यूरोपियन बॉय, ठीक है। देखिए इसको पढ़ा जाता है ईयर, इसको पढ़ा जाता है ईयर एंड इसको पढ़ा जाता है एयर, ठीक है ना। जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, नॉर्मल तो बन ही जाएगा, नॉर्मल तो बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे अगर हार्ड होगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है ईयर, इसको पढ़ा जाता है ईयर, इसको पढ़ा जाता है एयर, इसका मीन्स होता है उत्तराधिकारी ऐसे, ठीक है। तो इस ये किससे स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसके लिए ए का यूज करिए, ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए एन का यूज करिए, ये ए से स्टार्ट हुआ है एयर, तो इसके लिए एन का यूज करिए। देखिए अब क्या है, ए वन आइड मैन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ये तो आता है ना, आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, तो इसके लिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वन वन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए वन आइड मैन, तो इसके लिए आप ए का यूज करिए, स्टार्ट है वॉवेल से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे पूरा पूरा आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है। देखिए एस आई, एस आई, ठीक है, तो ये किससे स्टार्ट हुआ, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ, तो एन एस आई, ये कॉन्सोनेंट लेकिन इसके साथ आर्टिकल ए एन का यूज हुआ। एम पी, ये भी वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ, एम पी, यूनिक, यूरोपियन यूनिक, तो ए का यूज करिए, ठीक है, समझ गए। पूरा प्रोनाउंसिएशन पे ही पूरा पूरा डिपेंड करता है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन का यूज करिए, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो अ का यूज करिए। देखिए अब ये दें, अगर ये सब वर्ड है यानी पुट एन एल, पुट एन एल, पुट एन एफ, पुट एन एच, ऐसे यूज करिएगा कभी कभी, ऐसे इसमें एच को पुट करना है, ठीक है ना, जैसे ठीक है, एंड ये इसको खाली रखा है तो आप क्या बोलिएगा, पुट एन एच, पुट ए एच नहीं बोलिएगा, पुट ए एच नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, पुट एन एच, ठीक है। तो यही सब वर्ड हैं, अगर ये सिंगल में यूज होते हैं तो इनके साथ एन का यूज करिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए ए और एन के यूजेस को सीखते हैं। तो पहला यूज क्या है, देखिए ए और एन इज यूज टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ए और एन इज यूज टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर से सुनते हैं, देखिए ए और एन is used to refer to something for the first time, जैसे I saw a boy last night, I saw a boy last night, तो a और n is used to refer to something for the first time, तो ये जो लिख रहा है तो उसको तो पता ही है, ठीक है ना, लेकिन आप जो सुन रहे हैं या इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे इस नाउन के बारे में कोई पता नहीं है, तो इसके साथ आर्टिकल का ए का यूज करिए, ठीक है, आर्टिकल ए और एन इज यूज टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आइए दूसरा रूल सीखते हैं, देखिए आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास और स्पीसीज, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास और स्पीसीज, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, बर्ड्स प्लूरल नाउन हैव, ठीक है, टू विंग्स, तो प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, तो ये सेंटेंस सही है।
ठीक है ना, ये तो प्लूरल है। बर्ड हैज टू विंग, देखिए बर्ड सिंगुलर नाउन एंड ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन एंड काउंटेबल भी है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करें, बर्ड हैज टू विंग्स तो ए बर्ड। अब आप बोलिएगा कि एक बर्ड के ही पास दो पंख होते हैं, नहीं, इसको सीखने का एकमात्र तरीका है ए और एन का मीनिंग सम सर्टेन ऑल एनी वन लाइक होता है, सम सर्टेन ऑल एनी वन लाइक, ठीक है ना। तो इसको पुट करते जाइएगा तो ए और एन का सेंटेंस सही होते जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए वर्ड हैज टू विंग्स, तो ये यहाँ पे ए किसको डिनोट कर रहा है, एक बर्ड को नहीं डिनोट कर रहा है, ये एक तरह से लिखा हुआ है लेकिन ये डिनोट कर रहा है ऑल बर्ड, ऑल बर्ड, लेकिन यहाँ पे ए है इसलिए सिंगुलर नाउन का, यहाँ पे ऑल देते तो यहाँ पे बर्ड्स देना पड़ जाता, ठीक है ना। तो ये ए किसको डिनोट कर रहा है, ऑल को, यानी ए और एन का मीनिंग सम सर्टेन ऑल एनी वन लाइक, तो इतना मीनिंग ए और एन का हो सकता है, ठीक है। एंड जो पहले वाला था वो तो है ही। तो देखिए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, कार मस्ट बी इंश्योर्ड, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, इसके पहले तो हमें आर्टिकल देना है। तो देखिए यहाँ पे भी एक कर दीजिए, यहाँ पे ए का मीनिंग होगा ऑल, यहाँ पे ए का मीनिंग होगा ऑल, ठीक है। देखिए ही इज अ कोली ऑफ आवर टीम, ही इज अ कोली ऑफ आवर टीम, देखिए ए का यूज यहाँ पे क्या क्यों हुआ है, देखिए ये क्या है प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है तो क्या हुआ प्रॉपर नाउन, लेकिन आर्टिकल का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन ए और एन का यूज, तो ये तो होगा नहीं, प्रॉपर नाउन के साथ यूज किया नहीं जा सकता है। तो ए का यूज लाइक के सेंस में भी होता है, ए का यूज लाइक के सेंस में भी होता है, ही इज लाइक अ कोली ऑफ आवर टीम, ही इज लाइक कोहली ऑफ आवर टीम, तो कोहली के जैसा है ना कि कोहली है, कोहली के जैसा है। इसका डेफिनेशन भी जान लीजिए, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बनाएंगे, प्रॉपर नाउन का जब कॉमन नाउन बना देंगे तो आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, किसके सेंस में, लाइक के सेंस में। देखिए दिस मैन इज अ कोहली, तो यहाँ पे ए का मीनिंग क्या हो गया, लाइक, ठीक है। दिस मैन इज कोहली, ये तो ओरिजिनल कोहली हो गया, लेकिन ए कोहली कोहली के जैसा है, ओरिजिनल कोहली हो गया तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सारा समझ गए। हाँ जी, देखिए हम किसी भी पर्सन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, कोई पर्सन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देखिए ये दो एग्जाम्पल्स हैं, कोहली कम्स हियर एंड मिस्टर शर्मा कम्स टू मीट यू, देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, कोहली कम्स हेयर, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो ये कोहली के बारे में जानता है, ठीक है, यो ये कोहली के बारे में जानता है, इसलिए कोहली कम्स हेयर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ए का यूज कर देते, लेकिन अगर यहाँ पे ए का यूज कर देते तो ये जो स्पीकर है वो नहीं जान रहा है कि कौन कोहली है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता है तो स्पीकर जानता है कि ये कोहली कौन है, लेकिन अगर यहाँ पे ए का यूज कर देते हैं तो वो नहीं जानता है कि कोहली कौन है। जैसे आपके गेट पे कोई आया हुआ है, ठीक है, एंड उनका नाम कोहली है, ठीक है, तो आप अपने पापा को क्या कहिएगा, अ कोहली कम्स हियर, ना कि कोहली कम्स हियर, एंड वो कोहली को आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो अ कोहली कम्स हियर, समझ गए ना। अगर बिना आर्टिकल का यूज करते हैं तो स्पीकर जो होगा वो इस कोहली को जानता होगा, यानी प्रॉपर नाउन को जानता होगा, लेकिन अगर आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो स्पीकर जो है तो इस प्रॉपर नाउन को नहीं जानता है। इसी तरह मिस्टर शर्मा कम्स टू मीट यू, स्पीकर जो है वो मिस्टर शर्मा को जान रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ए का यूज कर देते हैं, ए मिस्टर शर्मा कम्स टू मीट यू, तो जो स्पीकर है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं इस मिस्टर शर्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, ए मिस्टर शर्मा कम्स टू मीट यू, जैसे आपको बोलना है हमें, तो आपको मैं क्या बोलूँगा, ए मिस्टर शर्मा कम्स टू मीट यू, तो
तो मैं ये मिस्टर शर्मा को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना, आपसे मिलने आए तो आप जानते होंगे। देखिए, ए मिस्टर शर्मा कम्स टू मीट यू, ठीक है, समझ गए पूरा। आइए अगले रूल की ओर बात करें। देखिए, वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन, वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द नेम ऑफ जॉब्स, नेशनैलिटीज, बिलीव्स। जॉब्स के नाम के पहले, नेशनैलिटीज वर्ड्स के पहले एंड बिलीव्स वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द नेम ऑफ जॉब्स, नेशनैलिटीज, बिलीव्स, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द नेम ऑफ जॉब्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही है सेंटेंस, आई एम एन इंजीनियर, तो ये इंजीनियर है, ऐसे बोलते हैं, ये भी सही है। आई एम अ वेजिटेरियन, तो इसका बिलीफ है या ये वेजिटेरियन है, तो इसके लिए भी यूज हो सकता है आर्टिकल ए और एन का। देखिए, वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन का यूज है, तो प्लूरल नाउन के लिए ए और एन का यूज थोड़ी करते हैं। ए और एन को किसको दर्शाता है, एक को दर्शाता है, तो प्लूरल नाउन के एक दर्शाएगा नहीं ना, तो वी ऑल आर इंडियंस। जैसे आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन बॉय, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, तो वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द नेम ऑफ बिलीव्स या नेशनलिटीज। तो वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ जॉब्स, नेशनलिटीज, बिलीव्स, ठीक है ना। आइए अगले रूल की ओर बात करें। देखिए, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी मस्ट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी मस्ट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज कभी नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्शन है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचाने का तरीका, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट से स्टार्ट होगा या सच से स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा सेंटेंस या सच से हो सकता है। देखिए, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, तो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी मस्ट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर सिंगुलर सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल ए का यूज किए एंड ए किसके लिए यूज किए, गर्ल के लिए यूज किए। अगर यहाँ पे वोवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता तो यहाँ पे एन का यूज करते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई वोवेल साउंड से स्टार्ट होता एडजेक्टिव तो यहाँ पे एन का यूज करते। ये नहीं कि आप सोचिएगा ए तो इसके लिए यूज किए हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए लगाए, लेकिन अगर यहाँ पे वोवेल साउंड से ये स्टार्ट होता तो यहाँ पे ए एन का यूज करते, ठीक है। आइए अगली प्योर, व्हाट अ ब्यूटी, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटी, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी मस्ट यूज ए एन बिफोर सिंगुलर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। व्हाट अ सिनेरियो, तो ये भी सही, सच अ लॉन्ग क्यू, सच अ लॉन्ग क्यू, देखिए अ लॉन्ग क्यू, ये भी सही, सच लॉन्ग क्यू, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करना, कभी नहीं करना, ए एन का यूज कहीं करिएगा, प्लूरल नाउन के साथ ए एन का यूज होता ही नहीं है। देखिए, व्हाट अ सिंगर ही इज, व्हाट अ सिंगर ही इज, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। हाँ जी, आइए अगले रूल की ओर बात करें। देखिए, वी यूज ए और एन इन नंबर या क्वांटिटी एक्सप्रेशन में, हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर का एक्सप्रेशन करना हो या क्वांटिटी का एक्सप्रेशन करना हो, नंबर का एक्सप्रेशन करना हो या क्वांटिटी का एक्सप्रेशन करना हो, तो उसके साथ ए और एन का यूज करते हैं। यहाँ पे ए और एन का मीनिंग होगा पर, पी ई आर, ठीक है ना। ए और एन का मीनिंग एक होता है, पर भी होता है, एंड सम, सर्टेन, ऑल, एनी वन, लाइक होता ही है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस्ट मी $10 अ किलो, इट कॉस्ट मी $10 अ किलो, तो यहाँ पे ए का मीनिंग हो सकता है पर, ठीक है ना, अब सही लग रहा होगा। इट कॉस्ट मी $10 पर किलो,
तो ए का मीनिंग पर भी हो सकता है, ठीक है। डेट ट्रिप कॉस्ट, सॉरी दो बार लिख दिया, डेट ट्रिप कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 डॉलर्स, डेट ट्रिप कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 डॉलर्स। देखिए आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि देखिए यहाँ पे तो प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज कर दिए, आर्टिकल ए और एन का यूज प्लूरल नाउन के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए हंड्रेड के बाद हर समय मेरा प्लूरल नाउन ही यूज होगा, ए थाउजेंड, ए हंड्रेड, ए मिलियन, इसके बाद हर समय मेरा प्लूरल नाउन का ही यूज होगा। जैसे अ थाउजेंड ईयर्स बैक, अ थाउजेंड ईयर्स बैक, थाउजेंड, अ मिलियन, अ हंड्रेड एंड जो भी हो इससे रिलेटेड, उसके बाद हर समय प्लूरल नाउन का ही यूज करना है। यहाँ पे ईयर देगा आपको जैसे 1000 डॉलर, तो ये एकदम देखने में सही लग रहा है, 1000 डॉलर एकदम देखने में सही लग रहा है, लेकिन 8000 डॉलर्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1000, अ मिलियन, ए हंड्रेड के बाद हर समय प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ही रन्स 20 किलोमीटर एन आवर, ही रन्स 20 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पर करके देखिए, पर तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का सेंस आ रहा है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ए और एन का मीनिंग हो सकता है पर, ठीक है ना। ही रन्स 20 किलोमीटर एन आवर, सेंटेंस सही है। देखिए पेट्रोल, पेट्रोल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है जो पुलिस लोग गश्ती करने जाता है ना, तो उसका ये होता है यूज, पेट्रोल ए वाला, लेकिन जो फ्यूल होता है उसके लिए हम ई का यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोल, अब सही है, अब फ्यूल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। पेट्रोल इज सोल्ड एट 80 रुपीज अ लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड एट 80 रुपीज अ लीटर। देखिए यहाँ पे फॉर का भी यूज हो सकता है, सोल्ड फॉर, सोल्ड एट दोनों होता है, सोल्ड फॉर, सोल्ड एट दोनों होता है। देखिए पेट्रोल इज सोल्ड फॉर 80 रुपीज अ लीटर, यहाँ पे पर रख के देखिए, पेट्रोल इज सोल्ड एट 80 रुपीज पर लीटर, अब सेंटेंस सही लग रहा होगा, तो ए और एन का मीनिंग पर भी होता है, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। हाँ जी, ये कुछ इडियोमेटिक यूज होते हैं आर्टिकल ए और एन के, ठीक है ना, इडियोमेटिक यूज होते हैं, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही यूज होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे मैक नॉइज नहीं होता है, मैक अ नॉइज होता है, ठीक है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, नहीं तो सारा गड़बड़ा जाएगा। जैसे मैक नॉइज है, तो नॉइज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, नॉइज को आप गिन सकते हैं नहीं ना, तो इसके पहले ए का यूज हो जाता है, तो इसमें क्या करना है, देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये एडोमेटिक यूज है, ठीक है ना, तो इस सारे को नोट कर लीजिएगा एंड देखते रहिएगा जिससे आपको याद रहे। आइए अगले रूल की ओर बात करें। देखिए अगर क्वाइट, रेदर या सच, क्वाइट, रेदर या सच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, क्वाइट, रेदर, सच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, तो सिंगुलर नाउन के पहले हमको ए या एन देना पड़ता है, ठीक है, क्वाइट, रेदर, सच, ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए तो क्वाइट, रेदर, सच, ए एन सिंगुलर नाउन, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर क्वाइट, रेदर, सच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज हो तो उसके पहले ए या एन का यूज करिए। तो आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए तो क्वाइट के बाद सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले हमको आर्टिकल देना है, ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है तो इसके पहले आर्टिकल का यूज करना है, स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा, क्वाइट, रेदर, सच, ए एन सिंगुलर नाउन, ऐसे सच अ गुड बॉय, यहाँ पे सच अ गुड बाय का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वाइट, रेदर, सच के बाद ए एन फिर सिंगुलर नाउन, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किए थे, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे, एंड ये एडवांस लेवल है, इससे ज़्यादा कहीं आर्टिकल ए एन में कहीं है ही नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, धन्यवाद।